तौसीफी कमेटी से। सवाल ये है कि इरफान वर्डी की तौसीफ किस सिलसिले में की जा रही है, बाकायदा कमेटी बनाई गई और इसके तहत आइंदा चंद हफ्तों में, जैसे आप देख रहे हैं 14वां इवेंट चल रहा है, आइंदा चंद हफ्तों में जब आखिरी तकरीब होगी वो इंशाल्लाह 65वीं तकरीब होगी, सबक क्या है इसका? दरअसल इरफान वर्डी उस शख्सियत का नाम है जिसने लड़कपन से और इस उम्र को पहुंचने तक ड्रामे का जो दामन थामा तो कभी उसे छोड़ा नहीं। आज भी दोपहर से तकरीबन रात गए तक वो ऐसा ये आलिशान ड्रामा कॉम्बिनेशन मुनक्किद कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ड्रामे पेश किए जाएंगे और मुतअल्लिक शख्सियात को उनके इल्म वन के हवाले से एजाजात से नवाजा भी जाएगा। इरफान वर्डी ने ड्रामे के तवसुस से उर्दू जबान और अदब की बेशबहा खिदमात अंजाम दी है और उन खिदमात का एतराफ रियासती उर्दू अकेडमी ने किया और गुज़िश्ता महीने आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। मैंने आपको एक खुशखबरी सुनाई थी, उसी एजाज के खुशी के सिलसिले में इरफान वर्डी ने हम सबको अपनी उस खुशी में शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी इस इंफरादी खुशी को एक मजमूई रंग दिया और उर्दू जबान व अदब की खिदमत के लिए अपनी खुशी को वक्फ कर दिया। लिहाजा हम 13वें इवेंट से गुजर कर आज 14वें इवेंट में है और इंशाल्लाह 65वां इवेंट भी हमारे सामने आएगा। ये उस जुनूनी शख्सियत का अंदाज है जो अपने इंफरादी कामयाबी को भी इस तरह जबान व अदब के हवाले करता है। यकीनन ऐसे शख्स का भरपूर एतराफ किया जाना चाहिए अहलिया ने शहर की जानिब से। और मजे की बात यह है कि सिर्फ भिवंडी नहीं, मुंबई तक इस कमेटी का दायरा वसी होता है, लिहाजा एक सरगर्म अमल एक सरगर्म रुकन की हैसियत से हमारे दरमियान मुझे खान साहब की तशरीफ लाते हैं मुंबई से। इरफान वर्डी ने एक्ट भिवंडी के हवाले से जो कुछ खिदमात अंजाम दी उसी का सिला अकेडमी ने दिया और हम तो बस थोड़ी सी अपनी सी दिशाकर कोशिश कर रहे हैं। हम इरफान वर्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजूद खास पद्म भूषण अवार्ड आपका किराकोरा पुरी के नव विरासत के मौके पर इस प्रोग्राम को तरजीह दिया गया है। आपको पूरा नाम रघुपति सहाय और किराक तखन सहाय, वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद और आपका तकल्लुस इब्रत नाम है, वो भी एक बहुत अच्छे शायर थे और साथ ही साथ मशहूर और मारिफ वकील भी थे। प्रोफेसर रघुपति सहाय फराग उर्दू के शायरों में हैं जिन पर न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि हिंदुस्तान को नाज है। वो उर्दू फारसी हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी जबानों और उनके अदब पर गहरी नजर रखते हैं, इसीलिए उनकी शायरी में एक ऐसी फिजा मिलती है जो हिंदुस्तान की जदीद कदीम रवायात और सच्ची जमहूरी रूह की अक्कासी करती है। उर्दू जबान में संस्कृत और हिंदी के अल्फाज का बेतकल्लुफ और बर्जस्ता इस्तेमाल शायद ही किसी और शायर ने किया हो। जो लोग उर्दू को किसी एक खास मजहब से मनसूब करते हैं उन्हें किराक को पढ़ना चाहिए। उर्दू शायरी तन दामन का शिकार नहीं है, उसके पास ताकत और कुव्वत है जो भारत में रहने वाली तमाम अकवाम की भारत में बसने वाली तमाम अकवाम की तर्जमानी वह पर गुजर रखती है। वो किसी खास मजहब पर तर्जमानी नहीं करती बल्कि हिंदू मत और उससे वाबस्ता अफराद उनके बुजुर्गों और मुकदस हस्तियों को भी इज्जत एहतराम देती है और हिंदू देवमाला अनासिर को भी अपने दामन में जगह देती है। कुछ अशआर मुलाहिज़ा हूँ। ये धज ये सजन रूप की जगमगाहट, ये धज ये सजन रूप की जगमगाहट, ये महकी हुई रस मसी मुस्कुराहट, झलक जिस मुख्य शबनमी पैराहन में किसी दीप माला की है चिल्लाहट, धुंधते में वो जोत सीमी बदन की
सितारों की किरणों की लपलपाहट, तनाव मन भरे सीने का ये कमर का कटाव, खुदों के जिस्म सरंगी है खींचे हुए तार। शायरी में सरफ नाजुक को मुख्तलिफ जावियों और पहलुओं से बेपर्दा किया जाता है कि इस जुर्म को छुपाने के लिए नातेबाज की ओढ़ी उड़ाई जाती है और हम की चादर फैलाई जाती है। आखिर शायरों को पराई नारी पर शायरी करने का कैसे हासिल है, इस पर अक्सर मैं सोचती हूँ। आप किसी शायर का दिमाग कर लीजिए या मुशायरों पर मुशायरों से शिरकत करके देख लीजिए, यही तरीका अपनाया जाता है। एक सदी गुजरने को है और हम उर्दू वाले अब तक अल्लामा जैसा शायर नहीं दे सके। इस पुराशो दौर में नायकों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब इस देव का मुझे वरीदा आपा को सुनाना होता तो फिरान गौरव पुरी का ये शेर पढ़ता सुनी कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, वरीदा आपा को हम दूर से पहचाने। भिवंडी हमारे गांव कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर उर्दू स्कूलें भी हैं। उर्दू बहुत उर्दू के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है हमने उसी मकसद के तहत रखा है। निगाहें नाज ने पर्दे उठाए हैं क्या क्या, हिजाब पहले मोहब्बत को आए हैं क्या क्या, अगर अभी भी कुछ परतें बाकी हैं फिरा से उठने में, तो आइए जहमतें असमाप्त करें मोहतरम नकार राणा कपूर साहब को और फिरा के ताल्लुक से कुछ और जानने की कोशिश करें। तशरीफ लाएं सही भाई दिल के तालिब जनाब राणा कपूर। और हम भूल गए हो सुबह ऐसा लगे आज के आज के जैसा उसका भाभी इसलिए भूले भी इतना सही फरमाया खराब ने। वाकई एक मुद्दत से खराब की याद नहीं रही लेकिन हम उन्हें भूले भी नहीं। दरअसल खराब पूरा पूरे ऐसे अजीम शायर थे जो बुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। आप हमारी उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा गया, मतलब हम इस बात की शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ग्राफ पर गुफ्तगू नहीं हुई, ग्राफ पर मुजाकरा नहीं हुआ या ग्राफ को मौजूद बहस नहीं बनाया गया। यहाँ पर तालिबात की अक्सरियत है। मैं बताता चलूं कि फराज साहब की जिंदगी से लेकर अब तक हर बड़े नकार ने फराज पर लिखा, चाहे वो नियाज फतेहपुरी हो, मोहम्मद हसन अस्करी हो, रशीद अहमद सिद्दीकी हो, वरीद अख्तर साहब हों, और आज के जमाने में आप बात कीजिए तो गोपी चंद नारंग हो, शमसुर रहमान फारूकी हो, या अबीबुल्ला साहब हो, या शमी हो, गरज सभी ने फराज पर कुछ ना कुछ लिखा है। अब आप जब उनकी तहरीरों को पढ़ते हैं और फराज साहब को पढ़ते हैं तो कुछ एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। फराज ने खुद अपने बारे में बहुत सारी बातें कही हैं अपने इंटरव्यूज में, अपने मजामीन में, और अपनी शायरी के गिर्द एक ऐसा दायरा बना दिया है कि फिराक की शायरी में दाखिल होने से पहले हमें उस दायरे से होकर गुजरना होगा, जिसका एक हल्का सा इशारा अभी अतिया मैडम ने यहां पर किया। और दो तरह के नजरियात फिराक साहब के ताल्लुक से पाए जाते हैं।
एक तो ये कि ज़राब जैसे गोपी सिंह नारंग ने लिखा कि ज़राब जैसे शायर सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में एक बार पैदा होते, वही दफ्तर कहते हैं कि ज़राब ने अपनी गजल को गंवा दिया, वेस्ट कर दिया। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का भी ये मानना है कि ज़राब साहब ने फारसी जबान से वो अफ्ज नहीं किया जो करना चाहिए। सबसे इंतहा पर अगर कोई नकार है ज़राब साहब के ताल्लुक से तो वो है शमसुर रहमान फारूकी साहब। उन्होंने तो इतना जहां तक लिखा कि ज़राब साहब को उर्दू की शेरी रिवायत का रत्ती भर इल्म नहीं था। मगर हम लोग बातें करते हैं साहब के अफराद, अंग्रेजी से उन्होंने अफज किया, संस्कृत से श्रृंगार रस लिया, श्रृंगार रस का भी जिक्र किया दिया मैडम ने, उनकी रुबाइयों में वो चीज आपको दिखाई दे। लेकिन फारूकी साहब कहते हैं कि उर्दू की शेरी रिवायत का इल्म नहीं था। आले अहमद सुरूर ने लिखा है कि ज़राब की ज़बान उखड़ी उखड़ी है, लहजा उखड़ा उखड़ा, मतलब जब आप ज़राब को पढ़ते हैं तो ज़बान कहीं ना कहीं एक हर्डल पैदा करती है, वो रवानी थी। यहां पर एक बात सोचने वाली है, और क्योंकि यहाँ तालिबात बैठी हुई है और साथीदार बैठे हुए हैं तो ज़राब पर गुफ्तगू होगी, लेकिन एक बड़ा अहम और बुनियादी नुक्ता है जो अक्सर हम फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि फला शायर बड़ा शायर है, हम ये कहते हैं कि मीर बड़े शायर हैं, आरिफ बड़े शायर हैं, इकबाल बड़े शायर हैं, फैज बड़े शायर हैं, राशिद बड़े शायर हैं, तो हम जो ये हुक्म लगाते हैं बड़े शायर होने का, तो वो बड़ाई और अजमत उसकी बुनियादें क्या है? क्या उसकी बुनियाद ये है कि किसी शायर ने ककड़ी और खीरे का जिक्र किया है तो वो बड़ा शायर हो जाए, या क्या इस बुनियाद पर किसी को हम बड़ा शायर कहेंगे कि उसने गोभी की बात की? यहां पर जरा रुक कर सोचने वाली बात है। देखिए, जबान का शेर जो है या शायरी जो है वो जबान के जरिए तकलीफ पाती है, और ज़बान, लफ्ज और मानी इस पर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया। हमें कभी अपने जहन की जो साख्त है वो किस तरह से लफ्जों को कबूल करता है और किस तरह से उसको मानी पहनाता है, कभी हमने उस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। एक वो ज़बान होती है जो आप गुफ्तगू में बोलते हैं, वो बोलचाल की ज़बान होती है। एक वो जबान होती है जो शायरी में आती है, तो शायरी में जब कोई लफ्ज आता है तो वो अपनी बाहर की जो दुनिया है या उस लफ्ज के जो भी इंसिलाकात है, मीन्स वो जो बिलोंगिंग होती है उस लफ्ज की, वो लफ्ज कैसे तोड़ देता है या शायर उस लफ्ज को मजबूर करता है कि तुम उस मानी से अपना रिश्ता तोड़ दो। लेकिन राशिद हमारी जबान के शायर हैं, उन्होंने कहा है कि जिंदगी से डरते हो जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी जबान भी है आदमी बयां भी है उससे तुम नहीं डरते, हर और मानी के रिश्ता है आम से, आदमी है वाबस्ता आदमी के दामन से, जिंदगी है वाबस्ता उससे तुम नहीं डरते। तो ये जो होता है लफ्ज और मानी करने में रिश्ता होता है वो आहनी रिश्ता होता है। मसलन जब हम पानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मुराद हमारे जहन में पानी का एक तस्वुर मौजूद हो जाता है, लेकिन शायद जब पानी का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो अपने उस मुजवजा तस्वुर से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। यानी लफ्ज के जो लफ्ज और मानी के दरमियान जो आहनी रिश्ता है शायर
अगर बड़ा शायर है तो उस रिश्ते को तोड़ देता है। लफ्ज के मानी में सयालियत भर देता है, लिक्विडिटी कर भर देता है। और बड़ा शायर वही होता है जो लफ्ज और मानी के दरमियान आहनी रिश्ते को तोड़कर उसमें एक सयालियत पैदा कर देता है। पानी ये की मिसाल से बताएं ना, पानी ही की मिसाल से बताएं कि कैसे किसी शायर ने इस रिश्ते को पानी के तस्वीर से तोड़ा। क्लास में बता, क्लास चल रही है तो मिसाल के तौर पर सर ने पानी की बात की। बहुत दुख, मिसाल के तौर पर पानी लग है। अब मैं आपको अहमद मुश्ताक का एक शेर, देखिए दरिया लफ्ज कहते हैं कि ये दरिया खामोशी से बह रहा है, ये दरिया खामोशी से बह रहा है, इसे देखें कि इसमें डूब जाए। तो अब डूब जाने का जो एक दोहरा तस्वीर इसमें भर गया, डूब जाना इस पानी में डूब जाना या फिर उस मंजर में डूब जाना जो दरिया की खामोशी से बहने को आपके जहन में बना रहा है या आप उस मंदिर का हिस्सा होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर दर्द एक लफ्ज है और दर्द हम सभी को होता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले अतिया साहिबा ने अपना हालत पेश कर, फिर आपके यहाँ ये मुस्कुराने बहुत और उन्होंने इस पर जोर भी दिया है। एक नए अंदाज में अतिया साहिबा ने अपना हालत तहरीर किया, बस उसमें एक कमी ये रह गई कि मकाना मुख्तसर इसमें बिल्कुल गुंजाइश है इसको कभी कभी। जब भी मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा है। मैं जब भी अमीर हमजा साकिब को सुनता हूँ यही एहसास हो रहा है। आज पर भी गुफ्तगू हुई है तो बिल्कुल एक नए जावी से उन्होंने जारहाना अंदाज, मैंने उनसे कहा कि आपका अंदाज कदरे जारहाना था, उन्होंने कहा कभी कभी होना भी चाहिए ताकि एक मुकाले का एक रास्ता हमवार हो जाए। कॉम्रेड असरार साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा वो लेक्चर दे रहे थे और मैं बिल्कुल आखिरी बेंच पर बैठा हूँ सुन रहा। क्या फिक्र होंगे इस गुफ्तगू की और जो वालिहाना लगा उन्होंने तालिबान से किया बहुत अच्छा था। रौनक अफरोज साहब ने रुबाइयात को मौजू बनाया, इसमें शक नहीं कि हरचंद के फिराक गोरखपुर बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं लेकिन उनकी नजमी और उनकी रुबाइयात को भी खासी अहमियत हासिल है। एक मरतबा किसी ने पूछा साहबी ने फिराक साहब से कि बताइए आपकी नजमी में और जोश मलिहा बारी की नजमों में क्या फर्क। फिर आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जोश मौजू से मुतासिर होता है
और मैं मौजू को मुतासर करता हूँ। शराब के लतायत बहुत मशहूर। एक मरतबा का जिक्र है कि दिल्ली में एक मुशायरा हो रहा था, शराब साहब पढ़ चुके तो सामरीन की तरफ से फरमाइश हुई कि भाई एक नौजवान शायर जो जुबैर रिजवी साहब, उनको पढ़ाया जाए। जुबैर रिजवी साहब ने माजरत की कि भाई ये मकबूल नहीं हो गया, फिराज साहब के बारे में कैसे पढ़ूँ। तो फिराज साहब ने कहा, बरदोगार जब तुम मेरे बाद पैदा हो सकते हो तो पढ़ क्यों नहीं सकते। उसके बाद मजाज और जोश एक मरतबा गुफ्तगू कर रहे, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही। फिर आपको मजाज सीधा बोले, मजाज तुमने कबाब बनाने कब से छोड़ दिया। मजाज ने कहा, जब से आपके यहाँ से गोश्त आना बंद हो गया। तो देखिए, जब आप शराब को ढूंढी देखता पढ़ती तो कुछ ऐसी किताबें भी आपको मिलेंगी जो उनके लतीफों का मुश्किल है। इस मौके के लिए मैंने एक मजमू लिखा है, अगर इजाजत हो तो पढ़ूँ। एक खत शराब गोरखपुरी के नाम, जरा सा हट के है ये मौके से, लेकिन आप पसंद करेंगे। शराब साहब उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दावे खराब यही, जब से आपने दावे में काम कर दिया है, एलिस डॉक ने आपसे खैरानी मुलाकात का सिलसिला जारी रखा है। मेरा ये खत इसी सिलसिले की कड़ी है, इसी सिलसिले की कमजोर कड़ी है और पायदार कड़ी इरफान बरवी है। आप सोचेंगे इरफान बरवी कौन है, बड़ा ये कौन है बड़ा, तो सुनिए मेरे बंगाली में कहते हैं इरफान बरवी को इरफान बरवी कहता है। ये नाम सुनकर आपका जहन अगर लॉरेल हार्डी की तरफ चला जाए तो क्या अजब। दरअसल इरफान बरवी एक आदमी है, ऐसा आदमी जिसने 10-20 नहीं पूरे 64 आदमी, आप अंग्रेजी पढ़ाते थे और उर्दू में शायरी करते थे, अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। अब उर्दू पढ़ाने वाले भी उर्दू में शायरी करने से हिचकिचाते हैं कि कहीं जख्मी शेर कसार से निकल कर अरबाब ज़ौक को नुकसान न पहुँचाने लगे। इसकी कई वजूहत हैं, बात जाहिरी और बात बातनी, इस पर बहरहाल गैस की गुंजाइश। हाँ, तो हमारी आज सरदार है कि आज आपको इरफान बरवी तौसीफी कमेटी ने याद किया है। आप शायद चौंक गए हैं कि ये तौसीफी कमेटी क्या चीज़ है, क्या ये इस्तिकबालिया कमेटी की तौसीफ है या तौसीफ शुदा इस्तिकबालिया कमेटी की तौसीफ, बताओ क्या है। आप नाराज ना, ये दर हकीकत हंगामी नौयत की कमेटी है जिसकी बदौलत इन दिनों पूरे शहर में हंगामा भर रहा है। जब से हमारे शहर में बरसात का सिलसिला मुतजर हुआ है, शहर में इनको इतनी पान की बारिश हो रही है। तौसीफी कमेटी को फरोज़ उर्दू कमेटी भी कहा जा सकता है। ये हंगामा एक तरह से उर्दू का मेला है, मकामी शुक्र है। इस मेले में वो लोग भी शरीक हो रहे हैं जो अरसे से मेलों फेरों से दूर अकेले रहने को तरजीह देते थे। तौसीफी कमेटी ने 64 तकरीबात के इनेकाद का हदफ यानी निशाना मुकर्रर किया है। उसी की बात यह है, इसका कोई निशाना खाली नहीं जा रहा है, तो चाहे माने न माने। ये वाकया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू शाह जिंदगी ने भी अपनी पूरी जिंदगी में इतने बोहरा मुनदी नहीं किए। फिराज साहब की बात कहूँ, प्रोग्राम दर प्रोग्राम के पसे खुश जो शख्सियत है वो बड़ी दिलचस्प अजीब है, उनका नाम मुजीब है।
रोहित खान क्या खूब आदमी है, आदमी का आदमी, दरवेश का दरवेश। दिलीप साहब उनकी उर्दू की तरक्की और तौसी में वही किरदार अदा कर रहे हैं जो कभी रामायण सागर ने किया था। आपको मालूम हो कि दिल्ली अभी दिल वालों से दूर है और आपका पसंदीदा शहर इलाहाबाद और इलाहाबाद नहीं रहा, नाम बदलकर शहर बशहर फैल रहा। अगर आप जिंदा होते तो अजल नहीं, आपका तकल्लुफ बदल दिया गया, आप फिराक की बजाय रघुपति साहब विराह कहते। अकबर ने कहा था कि कुछ इलाहाबाद में सामान नहीं बहबूद थे, अब यहाँ मौसूफ लोगों को निष्ठ नाबूद करने की कामयाब मनसूबा बंदी हो गई है। समा रह गई थी सो भी खामोश है, शमसुद्दीन कौरव की क्या उठे मैं दिल सुनी हो गई। और ले दे के अली अहमद पाकी रह गए हैं, अफसोस सरकार उनके भी घर पर आला। राज साहब मुझे अब तक आपकी पूरी शायरी पढ़ने की तौफीक नहीं मिली, मुझुआत आपने मालूम की होगी। मुझे अपनी जवानी के दिनों में अपने गुरु की जबानी आपका ये शेर सुना कि मेरी कैफियत अजीब हो गई थी, वल्लाह क्या लताफत है, क्या रस है, क्या बेसाख्तगी है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आए ना आए ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा दूर। फिर आपका ये शेर जब भी पढ़िए तो देर के लिए बड़े पनों को भी चुप से लग जाती है, कितना दर्द छुपा है इन सागर सुरों में। जिंदगी क्या है आज इसे है दोस्त, सोचने और उदास हो जाएंगे। गजल के इन दो मुसरों में शायर ने जिंदगी की ऐसी खोल खोल दी है जिसके समझने का कोई इम्कान नहीं। यही वजह है फिर आप साहब एक तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। आप और जोश मलिहाबादी को मुतसादी करने में भी पहले मैंने दूर की कौली आने की कोशिश की है, जिसका जिक्र नहीं हुआ। आपने चंद सदी मुलाजा करना है जनाब अली, आपके लतीफे की बदन अगर मैं बेहद मजबूर हूँ, इस कबीर का एक लतीफा नुमा वाकया भुलाए नहीं भूलता, आपको याद दिलाता हूँ। दिल्ली के एक मुशायरे में हफीज जालंधरी अपना कलाम सुना रहे थे कि दफातन आपने बोलना शुरू किया, वाह हफीज प्यारे क्या गला पाया, वाह हफीज प्यारे क्या गला पाया, यार मेरा कलाम ले लो और अपनी आवाज मुझे दे दो। इस बात को सुनकर हफीज साहब ने अपना अधूरा कलाम छोड़कर आपसे जो कुछ कहा था वो सुनकर फिर आप हफीज के तहरीन मरासिम का इजहार भी होता है और मुआशरा में चश्मत कर। हफीज ने कहा था, जनाब फिराक साहब मैं आपका नियाजमंद हूँ, मेरी आवाज तो क्या आप मुझे भी ले लीजिए, लेकिन खुदा के लिए अपना कलाम मुझे मत दीजिए। दुनिया में अपना फिराक देना और हफीज, हफीज को सरहद पार सरकार की अमान में आराम से हैं, लेकिन फिर आपको वो मकाम नहीं मिल सका जिसके वो करार वाकई हकदार थे। तौसीफी कमेटी का ये इकदाम एक सदाए दर्द है। राज साहब खुदा